जात ना देखियो कोई इस दोहे में तो पोटली का भी जिक्र है गज किलो गोमुख घर में जितनी भी पोटलियां हैं सारी लेकर आओ ठीक है कोई फायदा ही नहीं राउटर ना पोटली में मिलेगा ना अलमारी में मुझे लगता है ये बलवान हमारे साथ कोई ना कोई खेल खेल रहा है पर दादा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है ऑप्स सारी पोटलियां पोटलियां लाके चेक करते हैं हां होल्ड होल्ड यहां पे लेंगे पहले उसकी लाने का देखते हैं जी हम ज्यादा चल नहीं पाएंगे कुछ करो प्लीज दादू हमारा पुटाना बन के फूट जाएंगे कहना दीजिएगा जितना ज्यादा फैला सके उतना फैला दीजिएगा ताकि वो गिर सके कपड़े कपड़े हैं कंबल है बस ये सब पाइल है ये तकिए हैं कपड़े हैं तो सिवा कुछ नहीं है मैं ला नहीं उन्हीं गठरी में आगे गिरिएगा एक लाफ्टर आएगा आप थोड़ा सा डर के थोड़ा पीछे हट जाइएगा आप एक एक स्टेप कि बम फटने का वो आ रहा है वापस गिरने नहीं नहीं एक्शन डालो पीछे नहीं बेटा इल्लू थोड़ा पीछे है वैसे भी चुहिया छुपी हुई है बोल उठाओ उसे जगदा बेटा सुन तू एक काम कर हाँ तू बोलो भैया के कमरे में जाके चक्कर लगा ले बेटा ठीक है बाबू जी वैसे भी यहाँ चक्कर लगा लगा के थक गए हैं अभी सामान तुम लोग सामान उठा के अपन अंदर को चलो बाबा देखो जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है और दूसरी बात आज एक दोहा तुझे और सुनाता हूं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई आज चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए लेकिन मैं गधे को और अपने परिवार को बचाने की हर चंद कोशिश करूंगा